तो हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्निकल एमके में आपका फिर से स्वागत करता हूं गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो है कि मैं बताने जा रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से आप अपने सिम को चालू सिम को स्विच ऑफ बता सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो गाइस। जी हाँ, अगर आपको कोई बंदा परेशान करता है और आप जानना चाहते हो कि हम उस बंदे को ब्लॉक नहीं करें, तो गाइस उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा ने मेरी कॉल को बिजी कर दिया, यानी कि उसने मेरी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गाइस। तो गाइस वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में जब नंबर डाल देता है गाइस, तो गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस बंदे ने मेरी नंबर को ब्लैक लिस्ट डाल दी। तो गाइस ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद कस्टमर यही बोलती है कि आप जिस नंबर से बात करना चाहते हो तो गाइस वह व्यस्त हैं गाइस, है ना गाइस, इस तरीके का कुछ बोलता है। तो उस कस्टमर से इस तरीके से बुलवाना होगा कि आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं तो वो अभी स्विच ऑफ है गाइस। कुछ इस तरीके का आपका फ़ोन चालू रहेगा और आपकी सिम भी चालू रहेगी, तभी भी आपको जो भी आपको कॉल करेगा तो आप लोगों को उस लोगों को स्विच ऑफ ही बताएगा गाइस। तो गाइस आप लोग किस तरीके से ये सेटिंग को कर सकते हो गाइस। तो गाइस आप लोगों को कहीं ना जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई एप्लीकेशन बताएंगे गाइस। तो गाइस आप लोगों को सिर्फ सेटिंग कर लेनी होगी, जो गाइस हम सेटिंग बताएंगे सिर्फ आप लोगों को फॉलो कर लेनी होगी, सिर्फ आप लोगों को वही फॉलो करना जो हम आप लोगों को बताएंगे गाइस, है ना गाइस। तो गाइस जो भी आपका फ़ोन है तो गाइस थोड़ी नीचे ऊपर सेटिंग होगी गाइस, तो आप लोगों को देख लेनी है अपनी, प्लीज़ आप लोगों यहाँ पे देख लेनी होगी, क्योंकि हर डिवाइस में एक ही सेटिंग काम नहीं करती है गाइस। तो सेटिंग एक ही काम नहीं करती है, लेकिन नियम एक ही काम करता है गाइस, है ना गाइस। तो गाइस आप लोग किस तरीके से ये सेटिंग को कर सकते हो गाइस। तो गाइस आप लोगों को कहीं ना जाने की जरूरत है, ना ही कोई एप्लीकेशन बताएंगे गाइस। गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको डायल पेन को ओपन कर लेना है। डायल पेन को ओपन करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। उसके बाद आप लोगों यहाँ पे देखना राइट हैंड साइड में एक कॉर्नर या फिर यहाँ पे थ्री डॉट मिल जाएंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे सिम कार्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सिम कार्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। जहाँ भी आपके फोन में सिम कार्ड सेटिंग है तो गाइस उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिल रहा है करंट फ्यूचर, आपको क्लिक कर लेना है। करंट फ्यूचर पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस और नजर आ जाएगा गाइस। उसकी बाद आप लोगों को यहाँ पे दो स्लॉट मिल चुके हैं, जैसे एयरटेल और जियो। तो गाइस आप लोग जिस नंबर से यहाँ पे कॉल को स्विच ऑफ करवाना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं एयरटेल को चूज कर लिया है। एयरटेल को चूज करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। तो उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल गया गाइस। जहाँ भी आपके फोन में कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसके आपको क्लिक कर लेना गाइस। तो गाइस इस वीडियो ध्यान से देखना, जाना नहीं है क्योंकि आप लोग देख सकते हो तो गाइस आप लोग यहाँ पे छोड़ के चले जाते हो कि कॉल फॉरवर्ड होगी क्या पता क्या कर दे, नहीं आपको यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम क्या क्या करने वाले गाइस, है ना गाइस। तो गाइस आप लोग को यहीं से स्टार्ट करना है ध्यान से देखने के लिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, थोड़ा इसको वेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो ऑलवेज फॉरवर्ड, और यहाँ पे देख सकते हो व्हेन बिजी, और यहाँ पे देख सकते हो व्हेन, और यहाँ पे देख सकते हो व्हेन आर डन। तो गाइस यहाँ पे फोर ऑप्शन देखने को मिल गए, जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड। तो गाइस यहाँ पे कॉल को हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम कॉल को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉल को स्विच ऑफ करवाना चाहते हैं गाइस। तो आप लोग को क्या करना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्हेन बिजी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वैन वी जी पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आ जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे वही नंबर डालना है जो आप नंबर आपका बंद हो या फिर स्विच ऑफ हो गाइस। क्या करना आप लोगों को, यहाँ पे वही आपको नंबर डालना जो आपका स्विच ऑफ हो या फिर कई समय से आपको यहाँ पे बंद पड़ा हुआ गाइस। तो गाइस हमने नंबर को पहले ऑलरेडी डाल दिया गाइस। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर लेना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद गाइस या फिर आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने मिल रहा है तो आपको सेव कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे करने के लिए आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस आप लोगों को बैक आ जाना है, एक बार आप बैक आ जाना है इस तरीके आपको बैक आ जाना है गाइस, है ना गाइस। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो भी नंबर को आपको, यानी कि जो भी नंबर को आपको यहाँ पे स्विच ऑफ बतवाना है, यानी कि बुलवाना है, जो भी आपको नंबर को स्विच ऑफ बुलवाना है, तो गाइस आप लोगों वही को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने ये नंबर है इसको स्विच ऑफ बुलवाना चाहते हैं, इसको आपको लैंग प्रेस कर लेना है और इसको आपको क्या करना है, ब्लॉक कर देना गाइस। चलिए गाइस यहाँ से ब्लॉक कर देते गाइस, और यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर लेते गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया गाइस। तो गाइस यही नंबर ओनली यही नंबर स्विच ऑफ बोलेगा, और बाकी के जो नंबर आएंगे जो भी कॉल आएगी तो आपको यहाँ पे इजी तरीके से पता चल जाएगा गाइस। चलिए गाइस कॉल को लगा के हम लोग यहाँ पे देख सकते, मेरा यहाँ पे दो फोन आ चुके गाइस, है ना गाइस।
तो गाइस मेरे यहाँ पे दो फोन आ चुके गाइस। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे दो फोन यहाँ पे आ चुके गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस फोन में यानी कि नंबर को मैंने ब्लॉक किया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग मैंने आप लोगों को बताई उस वो करी और मैं इसी फ़ोन का था भाई वो नंबर यही था और वो नंबर मुझको बार बार यही परेशान करता था गाइस, है ना गाइस। तो मैंने ये नंबर है, ये मेरा यही नंबर है, तो मैंने इसको नंबर को ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद ये ब्लॉक बताएगा नहीं, तो यहाँ बिजी नहीं बताएगा, सिर्फ आप लोगों को दिखा देते कॉल को या बता देगा, यहाँ पर स्विच ऑफ ही बताएगा। देख सकते हो यहाँ पर कॉल लगा दी मैंने, अभी कॉल लगा के देख लेते गाइस। चलिएगा उस कॉल लगा ली, देख सकते हो मैंने कॉल लगा ली गाइस, देख सकते हो मैंने कॉल लगा दी गाइस, देख सकते हो क्या बोल रहा है, देख सकते हो गाइस। स्पीकर कर लेता हूँ, देख सकते हो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये स्विच ऑफ बोल रहा है गाइस, है ना गाइस। तो गाइस हम इस नंबर से कॉल लगा के देख लेते, आपको प्रूफ भी दिखा देते गाइस। इसे मैंने कॉल कर लगाई तो गाइस ये वाली कॉल अभी आ जाएगी, देखना अभी कॉल आ जाएगी, देख सकते हो गाइस, ना गाइस देख सकते हो कॉल आ चुकी है गाइस। लेकिन तभी भी ये कॉल स्विच ऑफ बता रही थी, लेकिन हमने अपनी तरफ से सेटिंग कर ली गाइस, इसलिए स्विच ऑफ बता रही गाइस, हमने कट कर दिया गाइस, देख सकते हो आप मैंने कट कर दिया गाइस। तो गाइस आप लोग इस तरीके से यहाँ पे अपने नंबर पे कॉल को स्विच ऑफ बतवा सकते हो गाइस। तो जो जानकारी जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी, तभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक टेक्निकल एमकेएम, बाय।